Nagabharna Namah Sivaya Nad Swarupa Namo Namo Nandatmaja Harinarayana Nandishwara He Nataraja. तो क्या बताया है? नाद ब्रह्म ईश्वर का साक्षात्कार होने जा रहा है और ऐसा एक डिवाइन एटमॉस्फियर यहाँ होगा और इसकी अनुभूति हमें करने का है. एक दूसरी बहुत बड़ी बात याद आई जो स्वामी ने बताया. इंसान की सरेराश आयु कितनी? इंसान की सरेराश आयु 70 से 80 साल की उम्र बताई जाती है, लेकिन वो किसने बनाई कि आयु 70 साल की है 80 साल की है? ये इंसानों ने ही बनाई है. जो आयु का कैलकुलेशन है, एज कैलकुलेशन इज डन बाय ह्यूमन बीइंग ओनली. सही मायने में इंसान की आयु क्या होती है? तो सही मायने में जन्म के बाद इंसान कितनी सांस लेता है, पृथ्वी पे आने के बाद इंसान कितनी सांस लेता है, वो कितनी सांस लेता है, उनकी आयु है. और साई नाम स्मरण जब हम लेते हैं तो उतनी सांस साई को समर्पित होती है. जितनी सांस हम लेते हैं उस वक्त साई का स्मरण करते हैं, साई संगीतम करते हैं, तो वो सांस हमें साई को समर्पित होती है. उसको कहते हैं लिविंग विद गॉड. भगवान के साथ जीना कैसा कि हर सांस में, हर धड़कन में इनका नाम हो. और वैसी एक शाम आज हमारे सामने है. आज की शाम साई के नाम, जिन कलाकारों को साई ने जिम्मेवारी दी है. भगवान भक्त के बिना अधूरा है और जो कलाकार है उसके सामने इसके चाहक है, उनके बिना वो अधूरा रहता है. तो दोनों आमने सामने हैं. तो इनकी जिम्मेवारी ये होती है कि ये हमें प्रभु का दर्शन कराए. और हमारी जिम्मेवारी क्या है? जब वो हमें प्रभु की, परमात्मा की ओर ले जाते हैं तो शांत मन से, स्वस्थ चित्त से इनका स्मरण करना है. आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं बताऊं तो यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, नहीं आए, स्कूल के बच्चे हैं, साई दीप, फेनी लाहिर, प्रणव के शर्मा, नील पटेल, किरीट के शर्मा, यशस्वी भट्ट, खुशी आर पटेल और राशि बी पटेल. ये बच्चे हमारे बीच में हैं. वो भी हमें एक प्रयत्न ऐसे करने वाले हैं कि जो भगवान के पास ले जाने के लिए एक आज की शाम का जो रास्ता है वो इन्होंने बनाया है हमारे लिए. तो इनके लिए बहुत बड़ी तालियां होनी चाहिए. आपणा शहरनी अने साई परिवारनी दीकरी कुमारी प्रीतिबेन शर्मा के जो सुंदर भजन गायिका तो छे ज, पण शिक्षणना क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी माटे एवे अनेक पुरस्कारों थी पुरस्कृत थया छे. कुमारी प्रीतिबेन शर्मा आजना भजन वृंद में सहभागी छे. आपणे एमने ताड़ियोंथी स्वागत करिए. आजे जे प्रोग्रामनी रचना थई, ए प्रोग्रामनी रचनामां जे महत्वनी जोड़ती कड़ीरूप एक भाई छे जे आपणी वच्चे घणा वर्षोथी परिचित छे, एवा श्री सुधीरभाई जोशी के जेमना पर छेल्ला 45 वर्षोथी पूज्य भगवान बाबाए प्रत्यक्ष ने परोक्ष आशीर्वाद आप्या छे. समर कोर्सना विद्यार्थी पण रही चूक्या छे अने श्री सत्यसाई संगठन पर बनेली कम्पोडियममां महत्वनी भूमिका निभावी छे. साई संदेश अने श्री सत्यसाई भजननी 700 जेटली वीडियो सोशियल मीडियामां एमणे पोस्ट करी छे अने हालमां ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ श्री सत्यसाई भजननुं भगीरथ कार्य करी रह्या छे. एवा સુધીરભાઈનું પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ. કર્ણાટકી સંગીતના પ્રખર જાણકાર અને શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિ સરના ધર્મપત્ની શ્રીમતી મંગલમ કૃષ્ણમ અને એમની દીકરી કુમારી કીર્થા
કૃષ્ણમ આજના ભજન વૃંદમાં સહભાગી છે એમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ. શ્રીમતી ઉમા બોલંગડી, શ્રીમતી રાધા રમેશ, શ્રીમતી સુજાતા અય્યર, કુમારી શ્વેતા ગોપાલ કૃષ્ણન, સાઈ સંગીતમ સાથે સંકળાયેલી અને સુંદર ગાયિકાઓ પણ આજના ભજન વૃંદની અંદર સહભાગી થનાર છે એમનું પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ. સાજ વાજ અને વાચ, સંગમ એટલે સાધના. સાજ વાચ અને વાચનો સંગમ એટલે સાધના. અને આ કાર્યક્રમમાં શ્રી નિરંજન સિંહા ફ્લ્યુટ ઉપર એટલે કે બાંસુરી વાદન કરશે. શ્રી નિરંજન સિંહા તબલા અને ઢોલક વાદન કરવા માટે શ્રી ભવ્ય વોરા આપણી વચ્ચે છે, એમને પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી રહીએ. શ્રી કૌશિક ભટ્ટ કે જેઓ સાઈડ રિધમ વગાડનાર છે, શ્રી અમન અય્યર તાલવાદન, શ્રી સત્યસાઈ સંગીત સમર્પણ, આજ કી શામ જિસકે નામ સે હૈ, આજ કી શામ જિસકે નામ સે હૈ કે વો કે જિન્હે 8 જુલાઈ 2006 મે જિન્હેં 8 જુલાઈ 2006 મે સાઈ કુલવંત હોલ મે પૂજ્ય સ્વામી કે સામને ભજન પ્રસ્તુતિ કા અવસર પ્રદાન હુઆ થા ઓર ભજનાનંદ કે બાદ સ્વયં ભગવાન બાબાને ઉન્હે સોને કી માલા પહેના કર કૃપાન્વિત કિયા હૈ. વો બહુમુખી મલ્ટી ફેસેટેડ પર્સનાલિટી, સંગીત ગાંધર્વ વાગ્યેકર શ્રી પી કૃષ્ણમૂર્તિ સ્વર કા હાર્દિક અભિવાદન કરતા હું. इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, फिर भी मैं कुछ कोशिश करूंगा कुछ शब्दों से कि वो क्या हस्ती हमारे बीच में है जो हमें परमात्मा की सफर आज कराने वाले हैं. विश्व भर में भारत की पहचान, मैंने एक नज़रिया और सोचा है सर आपके लिए कि विश्व भर में भारत की पहचान अर्थात ये जो भूखंड है ऑन दिस प्लैनेट जहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं, हर प्रदेश की भाषा और पोशाक अलग अलग हैं, फिर भी अनेकता में एकता ऐसे हैं, वैसा ही कुछ श्री पी कृष्णमूर्ति सर के बारे में मुझे दिख रहा है. मल्टीफेसेटेड मतलब इनके अंदर भगवान ने भर भर के इतनी खूबियां भरी है कि जो आज हमारे सामने रजू होने वाली है वो क्या है. एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वोकलिस्ट, नाम संकीर्तन एक्सपोनेंट कर्नाटकी, पियानिस्ट, वाग्येकर, संस्कृत और तमिल भाषा में स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और कलाकार के स्वरूप ने आपने अपनी पहचान बनाई है सर. अति कर्णप्रिय सुमधुर कंठ से नाम संकीर्तन और म्यूजिकल प्रोग्राम के जरिए भारतवर्ष एवं गल्फ के देशों में लाखों लोगों के हृदय सम्राट बने हैं सर. म्यूजिक के प्रति अलग अंदाज, म्यूजिक के प्रति अलग अंदाज, इनोवेटिव और क्रिएटिव सोच ने उन्हें संस्कृत, हिंदी और तमिल भाषा में अनगिनत एल्बम की प्रस्तुति की है. श्री रमण महर्षि, श्री ज्ञानानंद, श्री सदाशिव ब्रह्मेंद्र, श्रीमती श्री मीराबाई, संत तुकाराम, संत महानंद, ये सभी उसमें समावेश होते हैं. उन्होंने पाद वर्णम, कीर्तनम, भजन, थिलानाश, जथीश्वरम पर किताब लिखकर और MP3 के एल्बम भी बनाए हैं. 1993 में राष्ट्रीय स्तर पे हारमोनियम वादक में उन्होंने प्रथम क्रम प्राप्त किया है पूरे हिंदुस्तान में. ही इज द पायोनियर टू हैव ए ब्लेंडेड वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट विथ भारतीय क्लासिकल म्यूजिक इन 2003 एंड देयर बाय जनरेशन भारतीय पियानो इन चेन्नई एंड मुंबई. एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की रचना की है कि जो कॉम्बिनेशन है भारतीय म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक. श्री कृष्णमूर्ति सर साइंस एज अ टावरिंग पर्सनालिटी, इनकी बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. उन्होंने साहित्य मतलब लिटरेचर, म्यूजिक और थिएटर तीनों क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और बहुत नाम कमाया है.
On the occasion of 93rd birthday of Bhagavan, he launched a free mobile app, Naam Sankirtan, at Sai Prem Navi Mumbai. नवी मुंबई में नाम संकीर्तन करके एक फ्री मोबाइल ऐप उन्होंने लॉन्च की है. सर ने पूरे विश्व में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि भारत की पहचान हर मजहब के लोग, हर प्रदेश के लोग की बोली, हर प्रदेश के लोग के पहनवाए अलग, फिर भी मेरा भारत महान, वो मेरा भारत महान उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं लेकिन रशिया, फ्रांस, पेरिस, यूएसए, यूके, जर्मनी, सिंगापुर और गल्फ कंट्री में सब जगह पे इनका संगीत का जादू उन्होंने फैलाया है. और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है. और ये सब चीज़ का जो सार होता है वो और कुछ नहीं, वेयर देर इज़ यूनिटी, वेयर देर इज़ अ प्योरिटी, देर इज़ अ डिविनिटी. सो आज हम ऐसे एक कलाकार हमारे बीच में हैं जो हमें प्रभु दर्शन कराने वाले हैं. मैं अभी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. इनकी कई, गूगल पे जाओगे तो इतनी सारी वेबसाइटें हैं, मैं आपके सामने बोल जाऊँगा लेकिन आपको याद नहीं रहेगी. लेकिन आप कहीं पे भी सर्च करो, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, तो ये सब चीज़ मिल जाएगी जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. और इतने सारे एल्बम आपको मिल सकते हैं. आज का ज़माना इंटरनेट का है और इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ काम इन्होंने किया है और आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ काम होने वाले हैं. मैं भगवान को हमारे सब की ओर से एक प्रार्थना करता हूँ, विनम्र प्रार्थना कि भगवान आप साक्षात हमारे सामने हैं. स्वामी ने कहा है, वेयर माई ग्लोरी संग्स आई इंस्टॉल्ड माई सेल्फ. तो ये चेयर पर भगवान हमारे विराजमान है और इसके सामने अभी प्रस्तुति होने जा रही है. वंस अगेन विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज श्री कृष्णमूर्ति सर. हमें वो आज दिखाएंगे जो हम आंख बंद करके देखेंगे तो भगवान हमको चलते फिरते नजर आएंगे. जय साई राम.
Sai Ram Krishna Hari Sai Ram Krishna Hari Sai Ram Krishna Hari Sai Ram